अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को शूट करने में मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है मैथ के अंदर, वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री या जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है। इसमें आप पढ़ते क्या हो, आप लोगों ने आज से ज्योमेट्री पढ़ी है अपनी छोटी क्लासेस में, लेकिन एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ज्योमेट्री को पढ़ते हो, शेप्स, डिफरेंट लाइन, सर्कल, जो भी है, लेकिन यूजिंग कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ रहे होते हो। कोऑर्डिनेट्स के जरिए से आप डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ रहे होते हो, लेंथ के बारे में आप इन्वॉल्वमेंट होगी, अच्छा उसके बाद स्लोप आ जाएगा इसके अंदर, इक्वेशंस होंगी इसमें डिफरेंट कर्व्स की। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूरी ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेट्स के जरिए से, एक्स और वाई वैल्यू क्या है, इससे रिलेटेड आपका डिटेल में कॉन्सेप्ट होता है इस पोर्शन के अंदर मैथ के। तो अब ये जाहिर सी बात है, बेसिक बातें। अब मैं आप लोगों को कैलकुलस लेवल पे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं डिटेल में तो हर चीज नहीं जा सकता, तो मेरे जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं और इसी के अंदर सारी चीजें कवर करवा दूं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो इस बोर्ड के ऊपर जो मेन मेन बातें जो हैं, सब तो ऑब्वियसली मैं नहीं कवर करवा, सारी चीजें नहीं कवर करवा पाऊंगा, लेकिन जो मेन मेन बातें जिनका सीखना आपके लिए जरूरी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक सी बात, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, दो एक्सिस जो है वो आपके प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको आप क्वाड्रेंट कह रहे होते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहे होते हो। अब जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर जब आप कोई भी पॉइंट पिक करते हो, सबसे पहला पॉइंट मैं बताने लगा हूं आपको। अच्छा उससे पहले आप समझ लो कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंट पी पिक किया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये एक्स के बराबर है, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस, सॉरी उल्टा बोल दिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो वाई एक्सिस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इस पॉइंट और वाई एक्सिस के दरमियान, ये है एक्स वैल्यू, और इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, वाई वैल्यू। तो अगर आप कोई पॉइंट पिक करते हो एक्स एक्सिस के ऊपर तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा, जीरो होगा। दैट्स व्हाई उस पॉइंट की वाई वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस पे पुट करोगे उसकी वाई वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि उस पॉइंट और एक्स एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस जीरो होगा जो कि वाई वैल्यू होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह अगर आपने कोई भी पॉइंट पिक किया वाई एक्सिस के ऊपर तो जो उसकी एक्स वैल्यू है वो जीरो होगी। क्यों? एक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब अगर एक पॉइंट ही वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसमें और वाई एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, जो दैट्स व्हाई यहां पे जीरो आ रहा होगा। तो सबसे बेसिक बात तो आपने यहां पे देख ली। अगर इक्वेशंस पे हम आए तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाओ वाई वैल्यू जीरो होती है। दैट्स व्हाई ये एक लोकस है ना, ऐसा लोकस है जिसमें हर पॉइंट की वाई वैल्यू जीरो है, तो वो एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कंडीशन क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह वाई एक्सिस पे आप कहीं भी चले जाओ हर पॉइंट की एक्स वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो दैट्स व्हाई वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आ जाओ उसके ऊपर दूसरी बात मैं आप लोगों को बताने लगा, वो ये है कि अगर आपको किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, उन दो पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपको बोला कि यार इनके दरमियान डिस्टेंस निकालो, तो आप डिस्टेंस निकालते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम यहां पे कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल एक हमने पॉइंट पिक किया है जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और एक पॉइंट हमने पिक किया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालो, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इसको अप्लाई किस तरह करना है आप लोगों को सब बातें बताऊंगी, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसको अप्लाई आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद जो बेसिक बातें हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि अगर आपने किसी ज्योमेट्रिक शेप को प्रूफ करना है, फॉर एग्जांपल आपको वर्टिसेस दिए जाते हैं और आपको बोला जाए कि यार प्रूफ करो एक स्क्वायर के या रेक्टेंगल के, तो इसको करने के लिए बेस्ट तरीका आपको सबके बारे में बताना चाहिए। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, इसी तरह ट्रेपेजॉइड में तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और डायगोनल भी इक्वल नहीं होते ट्रेपेजॉइड के अंदर। इसी तरह रोम्बस की बात करो, सारी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये फिर बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप लोग खुद थोड़ा देख लेना, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन सब चीजों को प्रूफ करते थे, डिस्टेंस निकालते थे और देखते थे अगर चारों साइड इक्वल है और डायगोनल अनइक्वल तो रोम्बस, अगर डायगोनल इक्वल हो जाए तो स्क्वायर, इसी तरह रेक्टेंगल अगर अपोजिट साइड इक्वल है डायगोनल इक्वल तो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल अनइक्वल तो पैरेललोग्राम। तो कहने का मतलब ये सब एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करते हुए आ रहे थे।
उसके बाद जो बेसिक पोर्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके कुछ फॉर्मूले होते थे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, उसमें होता था कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है उसको एक पॉइंट कट कर रहा है, लेट कर लो M1 M2 के रेशो में कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट ने कट किया उसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यूजिंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आप निकालते थे। लेकिन इसकी एप्लीकेशन आपको आगे नजर नहीं आ रही तो दैट्स व्हाई मैं ये टॉपिक नहीं करवा रहा आप लोगों को। इसी तरह सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, फिर इन सेंटर आपने पढ़ा था, इन सर्किल का जो सेंटर वन सेंटर होता है, ये बेसिकली सारी चीजें जो आप लोग पढ़ते हुए आते ज्योमेट्री में सर्किल के बारे में वो इस कोऑर्डिनेट में आप पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट के जरिए से आप प्रूव करते थे या कुछ मालूम करते थे। उसके बाद जो मेजर पोर्शन था जिसका ताल्लुक आप लोगों से कैलकुलस से रिलेटेड होगा वो स्लोप का कॉन्सेप्ट था कि स्लोप यहाँ पे क्या होता है। तो बच्चों याद रखो आप स्लोप के बारे में जरा पढ़ते हैं, स्लोप के अगर आप लिटरल मीनिंग देखो ना तो स्लोप अगर इजी लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपकी कोई सर्फेस इस तरीके से है तो उसका स्लोप जीरो है, जिसको हम कहते हैं इंक्लाइन। कोई चीज कितनी इंक्लाइन है ये आपको स्लोप बताता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी स्लोप वैल्यू कंसिडर कर लो हाफ है, इसकी स्लोप वैल्यू कंसिडर कर लो वन है, तो इसकी स्लोप वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि ये चीज ज्यादा इंक्लाइन है ये चीज कम इंक्लाइन है। अगर स्लोप वैल्यू फॉर एग्जाम्पल टू होगी है इसका मतलब ये और इंक्लाइन है सरफेस। स्लोप वाई एक्सिस का क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर कोई लाइन इस तरीके से है तो भाई उसकी तो बहुत बड़ी इंक्लिनेशन है यार, ठीक है। तो कहने का मतलब स्लोप आपको बता रही थी कोई चीज कितनी इंक्लाइन है या कोई चीज कितनी स्टीप है, स्टीप का वर्ड भी आप यूज करते हो। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम किस तरह मालूम करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जब आपकी लाइन को इस टाइप की है, ये वाली लाइन की बात करो और इस वाली लाइन की बात करते हैं, देखो इस लाइन में अगर आप ऑब्जर्व करो एक पॉइंट अब ये ले लो एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो एक्स के अंदर इतना चेंज आया है, मतलब अगर आप इस पॉइंट पे आओ, पहले आप इस पॉइंट पे थे अब आप इस पॉइंट पे गए, तो x वैल्यू के अंदर तो इतना चेंज आया ना, जबकि y वैल्यू के अंदर इतना चेंज आ गया, आप यहां पे थे अब यहां पे आ गए, y वैल्यू के अंदर ज्यादा चेंज है x वैल्यू के अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज है। और अगर आप यहां पे बात करो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट पे करते हैं हम, तो यहां पे ऑब्जर्व करोगे जितना x के अंदर तकरीबन चेंज है उतना ही y के अंदर चेंज है, तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े से x पे अगर y ज्यादा चेंज हो इसका मतलब स्लोप की ज्यादा वैल्यू होगी, वो चीज और इंक्लाइन है, और थोड़े से x पे अगर थोड़ा सा y बढ़े इसका मतलब वो चीज थोड़ी कम इंक्लाइन है, उसका स्लोप भी नॉर्मल से ही आएगा। तो कहने का मतलब स्लोप को हमने डिफाइन किस तरह किया हुआ, हम कहते हैं स्लोप है राइज अपॉन रन, जिसको मैथमेटिकल अंदाज में आप कह सकते हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि y के अंदर कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय x के अंदर कितना चेंज आ रहा है। अब अगर x के थोड़े चेंज पे y का ज्यादा चेंज है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आपके स्लोप की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और अगर x ज्यादा चेंज हो रहा है y थोड़ा कम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस लाइन की एग्जाम्पल ले लो, यहां पे एक पॉइंट पिक कर लो एक यहां पे फॉर एग्जाम्पल पिक कर लो, अगर आप ऑब्जर्व करो x कितना चेंज हो रहा है y हल्का सा चेंज हो रहा है, तो न्यूमरेटर आपको बिल्कुल छोटा सा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो स्लोप की वैल्यू आपकी लेस देन 1 आ रही होगी, मतलब आपको नजर आ रहा है कि लाइन बहुत ही कम इंक्लाइन है। तो कहने का मतलब है कि स्लोप की वैल्यू से आप जज करते हो कोई चीज कितनी इंक्लाइन है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। यही चीज मैं आप लोगों को यहां पे लिखवाने लगा हूं कि अगर कोई लाइन इस तरह बनी हुई है, ठीक है, और आपको यहां पर निकालना है स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, जिसको आप राइज अपॉन रन भी कह रहे होते हो। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, इसको आप इस तरह समझो कि स्लोप निकालने के लिए आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए, आप उन दो पॉइंट से देखोगे ना कि चेंज x क्या है चेंज इन y क्या है। आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पिक कर लो स्लोप हमेशा सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहेगा। कोई चीज अगर इतनी इंक्लाइन है ना तो आगे जाके यू नहीं हो जाएगी, वो इतनी इंक्लाइन रहती है, स्ट्रेट लाइन जो है ये सेम ही रहेगी ना, आपके आगे जाके मुड़ तो नहीं जाएगी कहीं, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा सेम स्लोप होता है। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पिक कर लो, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है, यहां दो पॉइंट पिक किए मैंने और मैं यहां पर दो पॉइंट पिक कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप वही एक काम करो कि आप इधर से एक लाइन बनाओ इस तरह हॉरिजॉन्टल बनाओ, इस तरह एक वर्टिकल लाइन बनाओ, तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा होता है, ठीक है। सेम फॉर एग्जांपल अगर आपने इन दो पॉइंट को पिक करना है सेम पिक करो, या अगर मैं थोड़ा करीब करीब पिक कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे ट्रायंगल बन रहा होगा। आप ऑब्जर्व करो बेसिकली स्लोप क्या होता है, स्लोप ये कॉन्सेप्ट है ना, परपेंडिकुलर अपॉन, आप इस तरह कह सकते हो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये जो अगर आप राइट ट्रायंगल बना रहे हो कंसीडर कर लो यहां पे एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बेसिकली क्या होता है स्लोप होता है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो स्लोप लाइन आपकी सेम ही है, आपने दो दो अलग अलग किस्म के पॉइंट पिक किए, तो इसका जो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होगा, और इसी तरह इसमें जो चेंज इन वाई है और चेंज इन एक्स है, अगर आप इसका रेशो निकालोगे
तो बच्चों मजे की बात है कि रेशो दोनों का सेम आएगा, अगर इसका रेशो के है तो इसका रेशो भी के होगा। यही मैं बात बताना चाह रहा हूं, आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट पिक करो, स्लोप हमेशा सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है। रेशो क्यों सेम होगा? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनके सारे एंगल सेम होते हैं, फर्क उनकी साइड की लेंथ का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, इसकी है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम करते हैं, अगर बेस आपका 2 है परपेंडिकुलर 3 है, चलो इजी वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 है, ये 5 है, नहीं ये 4 है और ये 3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 होगा। ये आपका बेसिक राइट ट्राइंगल है, ठीक। आप इसका सिमिलर क्या होगा? इसका सिमिलर ये होगा कि जो इसके एंगल है ना, अगले ट्राइंगल में भी सेम वही एंगल है, बस फर्क होगा साइड की लेंथ का। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये वाला ऑब्जर्व करो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी तीनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 4 को मैं 2 से करूंगा 8, इसको 2 से करो 6, इसको 2 से करो 10। आप ऑब्जर्व करो, ये भी राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करवा के देख लो। फर्क क्या है? इसकी डायमेंशन अलग है, इसकी डायमेंशन अलग है, एंगल दोनों के सेम है, ठीक है। इनको हम कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो जो भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसमें रेशो सेम रहते हैं। आप यहां पे 4/3, 8/6 क्या होता है? 4/3। आप किसी भी दो साइड का रेशो निकालो सेम ही आएगा। इसी तरह 4/5, 8/10 सेम ही होता है, 3/5, 6/10 सेम ही होता है। तो वही चीज है, आप कोई भी दो पॉइंट पिक कर लो, चूंकि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, उनके रेशो सेम रहेंगे, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सेम है, इसका मतलब स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन का फिक्स रहता है। ये वाली जो डेफिनेशन है ना कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, आपको पता है अगर मैं यहां पे एक एंगल बना लूं, ठीक है, उस एंगल को हम फिलहाल अल्फा कह देते हैं, तो और उसका हम टेंजेंट ले लेते हैं, यहां पे जो भी एंगल बन रहा होगा ना उसका मैं टेंजेंट ले लेता हूं। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा वाई और बेस का डेल्टा एक्स। तो ऑब्जर्व करो, सेम जो स्लोप है, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये किसके बराबर है? ये टेंजेंट अल्फा के बराबर है। इसका मतलब स्लोप का एक और फॉर्मूला भी है जिसको हम कहते हैं टेंजेंट अल्फा। आप स्लोप का ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ये मैं ये जो रफ में काम कर रहा हूं ऊपर मैं फेयर में करवाऊंगा। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी से आपने एक और फॉर्मूला निकाला टेंजेंट अल्फा। मैं ऊपर फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं इस फॉर्मूले के बारे में बताता हूं। ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। सवाल है कि यहां पे जो अल्फा है वो क्या है? वो कोई रैंडम एंगल नहीं है, उसका एक खास नाम होता है। ये अल्फा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको आप अल्फा कहते हो, और इस अल्फा का क्या नाम रखा है हमने? इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इसकी खास एंगल होता है, रैंडम एंगल नहीं होता, और एम को आप क्या कहते हो? स्लोप कहते हो। स्लोप को हम एम से लिखते हैं। मैंने इसी डायग्राम पे हर चीज आपको बतानी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के अगर बारे में आपने समझ रहे हैं ना, तो सिंपल बच्चों ये वो एंगल होता है जो सबसे पहली बात एक्स एक्सिस से बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है इस तरीके से, तो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है। जो लाइन का राइट है ना, मतलब लाइन के राइट साइड जो है, वहां से आप एंगल बनाते हो, स्टार्ट करते हो एक्स एक्सिस से, और एंटी क्लॉकवाइज में आप इस तरह एंगल बनाते हो। तो ये जो एंगल है इसको आप कहते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर कोई लाइन इस तरह है तब भी वही वाली बात होगी कि लाइन का राइट ये है, स्टार्ट करना एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाना है, तो इस लाइन की इंक्लिनेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इंक्लिनेशन, ठीक है। और यहां पे सवाल ये भी आ सकता है कि आप ये वाला एंगल ले सकते हो, लेकिन आप नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइन इस तरीके से, तो आप ये वाला एंगल भी ले सकते थे, ये पूरा, ये इंक्लिनेशन नहीं होता। इंक्लिनेशन क्या होता है कि आपने एंगल स्टार्ट करना है एक्स एक्सिस से, लाइन के राइट से, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और एक और बात कि लाइन के उस हिस्से पे खत्म करोगे जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अभी जो आपका एंगल बन रहा है ना वो एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है, आपने इसको यहीं पे खत्म करना है। ये तो दो तीन बातें होती है, क्या कि लाइन के राइट पे एंगल बनेगा सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, तीसरी बात एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली एंटी क्लॉक में बनेगा, और चौथी बात लाइन के उस हिस्से पे आपने एंड करना है जो एक्स एक्सिस के अबव है। तो ये जो छोटा सा एंगल है इसको आप अल्फा बोलोगे, इस पूरे को आप अल्फा नहीं बोलोगे। तो कोई रैंडम एंगल नहीं है, एक खास बातों को सेटिस्फाई करेगा तो आप इसको इंक्लिनेशन बोलते हो। इसकी मैं रेंज भी लिखवा देता हूं, जरा हम रेंज देख लेते हैं कि इंक्लिनेशन कहां से लेके कहां तक होता है। तो बच्चों इंक्लिनेशन आपका मैं यहीं पे लिख देता हूं, 0 डिग्री हो सकता है या 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल आप कुछ भी यूज कर लो। ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होगा, 0 डिग्री के इक्वल हो सकता है, लेकिन जब ये लाइन बिल्कुल रोटेट होके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है वो आपकी रोटेट होके अगर दोबारा एक्स एक्सिस पे आ गई है, तो अब आप 180 डिग्री नहीं लोगे, आप उसका 0 एंगल ही ले रहे होगे, क्योंकि लाइन अगर एक्स एक्सिस पे, तो
तो आपको नहीं पता कि वो रोटेट होकर आई है या पहले ही वो स्टार्ट हो रही है एक्स एक्सिस से। वेक्टर तो नहीं है ना जिसकी आपको डायरेक्शन पता होगी, इधर पॉइंट करेगा तो 0 डिग्री, इधर पॉइंट करेगा तो आप 180 डिग्री कहोगे। तो वेक्टर्स नहीं है, एक लाइन है। तो अगर लाइन रोटेट होकर दोबारा एक्स एक्सिस पे आ रही है तो आपको नहीं पता कि वो स्टार्ट एक्स एक्सिस से हो रही है, रोटेट होकर आ रही है, तो आप 0 डिग्री ही कंसिडर कर रहे होते हो। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री के बराबर होता है लेकिन 180 डिग्री से कम कम होता है। तो ये जरा स्लोप के बारे में पढ़ लिया, अब हम मशहूर लाइन के स्लोप देख लेते हैं। अच्छा, स्लोप कहां से लेके कहां तक होता है? स्लोप कुछ भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव स्लोप कब होता है? जब आपका इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ग्रेटर है, मतलब ये लाइन जो है ये लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर कोई लाइन में इस तरह बनाऊ ना जो लेफ्ट से राइट पे डिक्रीज हो रही हो तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर कोई लाइन इस तरह बनेगी तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, और जब भी 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप जीरो भी हो सकता है, और स्लोप आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये जो वाई एक्सिस है, मैं ये पॉइंट लिखवाने लगा हूं, इस वाई एक्सिस का जो स्लोप है वो इनफाइनाइट है। ये जो मैं इनफाइनाइट लिख रहा हूं ये मैं एज अ मैथमेटिकल वैल्यू नहीं लिख रहा है इसकी, मैं जो इनफाइनाइट लिख रहा हूं इसका मतलब ये कि स्लोप बहुत बड़ा होगा वाई एक्सिस का, इस मानो में लिख रहा हूं। वाई एक्सिस के स्लोप को अनडिफाइन भी बोला जाता है, तो मैं आगे अनडिफाइन भी लिख देता हूं। और वो अनडिफाइन इसलिए बोला जाता है कि अगर आप स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करने लगो, आप वाई एक्सिस पे कोई भी दो पॉइंट पिक करोगे उसकी एक्स वैल्यू क्या होगी? उन दोनों पॉइंट की एक्स वैल्यू जीरो होगी। तो जब आप एक्स के अंदर चेंज कितना आया, एक्स के अंदर जीरो चेंज आया, तो जब मैथ में आप किसी भी चीज को डिवाइड करोगे जीरो से तो वो अनडिफाइन हो जाती है। तो अगर वैल्यू के सेंस में बात करो तो वाई एक्सिस का स्लोप जो है वो अनडिफाइन है, आप किसी वैल्यू के बराबर नहीं आप इसको कह सकते। और अगर कॉन्सेप्चुअल समझो तो यार इसका स्लोप बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर एक लाइन वर्टिकल है तो वो उसकी इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, तो उसका स्लोप क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। उस बहुत ज्यादा को आप इनफाइनाइट लिख सकते हो। तो ये दो अलग बातें हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा जी, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। इनकी जरा इंक्लिनेशन की भी बात करते हैं। जो वाई एक्सिस है इसकी इंक्लिनेशन होती है 90 डिग्री, और जो एक्स एक्सिस है इसकी इंक्लिनेशन होती है 0 डिग्री। अगर डिग्री की बात करें, रेडियन में 0 हो जाएगा या पाई बाय 2 हो जाएगा। तो बच्चों स्लोप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बता दी हैं। मैं एंड पे कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को यहां पे दे दूंगा, वो जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूं उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को होगा। अच्छा जी, अब आ जाओ इसके ऊपर कि पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, इनका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। जरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बच्चों जब भी दो लाइन पैरेलल है, आपने अभी तक तो पढ़ा हुआ था जब दो लाइन पैरेलल होती है तो वो कभी, उनकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे वो पैरेलल होती है, बिल्कुल सही बात है। और परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होती है जो इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे, उनको परपेंडिकुलर कहते हो, बिल्कुल सही बात है। हम पैरेलल और परपेंडिकुलर को डिफाइन करेंगे यूजिंग देयर स्लोप्स, मतलब अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। कोई भी दो पैरेलल लाइन होंगे इनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। एज व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, थोड़ी इंग्लिश भी हम बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर में हमें बाहर के मुल्क में पढ़ाना है तो इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ी। अच्छा, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव 1 के बराबर होगा, जिसको दूसरे लैंग्वेज में भी आप कह सकते हो कि उनके स्लोप जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। क्या मतलब, जरा मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये पैरेलल का सिंबल होता है, जब दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। इसको हम लिख देते हैं, इसको इस तरह लिखता हूं कि L1 पैरेलल है L2 के, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप दोनों के इक्वल होंगे, L1 और L2 के स्लोप इक्वल होंगे। और जब L1 जो है ये परपेंडिकुलर होगी L2 के, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि M1 = -1/M2, मतलब M2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल M1 के बराबर है, इसी तरह M1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल M2 के बराबर है। तो दूसरी लैंग्वेज में आप इस तरह भी बोल सकते हो, तो दोनों तरीके से कंडीशन लिखी जा सकती है। तो ये बातें हमने पढ़ ली इसके रिलेटेड। उसके बाद एक फॉर्मूला था जो आप यूज करते थे ये इसके अंदर, जब आप स्लोप ये सब पढ़ते थे, वो ये था कि अगर L1 और L2 के दरमियान आपने एंगल निकालना है तो उसके लिए आप किस तरह निकालते थे, जब इनके स्लोप आपको पता हो। तो L1 और L2 के दरमियान अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 का फॉर्मूला ये था, M1 - M2 / 1 + M1 - M2। ये फॉर्मूला भी काफी अहमियत का हामिल है। इस फॉर्मूले में ये होता है कि अगर एंगल आपका L1 से लेके L2 पे बन रहा है, मतलब स्टार्ट L1 से हो रहा है और एंड L2 पे हो रहा है, तो L2 का स्लोप आप पहले लिखोगे न्यूमरेटर के अंदर, डिनोमिनेटर का तो इशू नहीं है ना।
और अगर एंगल आपका एल टू से स्टार्ट होकर एल वन पे खत्म हो रहा है, जिस पे खत्म होता है ना उसका स्लोप पहले लिखा जाता है। और अगर आपको बोला जाए कि आपने एक्यूट, क्योंकि देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके दरमियान दो किस्म के एंगल बनते हैं, एक एक्यूट बनता है और एक ऑब्ट्यूज बनता है। तो अगर आपका ये जो पूरी चीज है, या अगर ये पूरी चीज पॉजिटिव हो तो जो यहां पे एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा, और अगर ये चीज नेगेटिव हो तो जो यहां पे आपके पास एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा उन दो लाइंस के दरमियान। तो अगर आपको कहीं बोला जाए कि एक्यूट एंगल निकालो, तो फिर आप क्या करना, न्यूमिनेटर पे मॉड लगा देना, क्योंकि मॉड हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। तो जब आप न्यूमिनेटर पे मॉड लगा दोगे इस पूरी चीज का आंसर पॉजिटिव होगा और आपके पास एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो ये दो तीन डिफरेंट वेरिएशन होती है फॉर्मूले की, वो मैंने बेसिक से आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जो मेजर पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे देखता जाता हूँ अभी तक के पोर्शन में, मैंने आप लोगों को हर चीज बता दिया है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमने सब देख लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, अच्छा ये इक्वेशन का पोर्शन तो आने वाला है अभी, सही है, अभी तक हमने हर चीज बता दी है। अब हमारे पास जो पोर्शन है वो इक्वेशन का पोर्शन होता, इक्वेशन का पोर्शन का मतलब डिफरेंट लाइन्स के आपको इक्वेशन पता होने चाहिए। तो जरा बेसिक सी बात करते हैं, सबसे पहले हमने x एक्सिस की इक्वेशन और y एक्सिस की इक्वेशन तो पहले देख ली थी, अब ऐसी लाइंस की इक्वेशन देखो जो x और y एक्सिस के पैरेलल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये लाइन जो है ये पैरेलल है y एक्सिस के, ठीक है, कंसीडर कर लो ये जो कट कर रही है वो a पॉइंट पे कट कर रही है, x एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रही है और ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। याद रखो जो भी लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के और वो x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, लेट से a पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू a। और अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू, अच्छा देखो लाइन जो है वो आपकी दोनों तरफ से बढ़ती है, लेकिन डायग्राम थोड़ी अच्छी करने के लिए मैंने लाइन को रोक दिया और इतना कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन लाइन जो है वो आपकी इनफाइनाइट बढ़ती है। जो रे होती है ना वो एक तरफ से फिक्स होती है दूसरी तरफ से बढ़ती है, हम नॉर्मली एरो एक लगाते हैं, लगाने में दोनों चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये लाइन है सारी, रे यहाँ पे कोई भी डिस्कस नहीं हो रही। और एक तीसरी चीज होती है लाइन सेगमेंट, वो तो दो पॉइंट के दरमियान ही होती है, जैसे ये है, ये लाइन सेगमेंट है यहाँ पे बारह। और अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के और कंसीडर कर लो वो वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो अब उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू बी। तो ये वो उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस को कट कर रही हो बी पॉइंट पे, तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये बेसिक बातें तो आपने यहां पर पढ़ ली। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, सबसे पहले ड्रॉ से बात करते हैं, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, वरना आप ड्रॉ नहीं कर सकते, या अगर आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरह इक्वेशन की भी यही बात है कि अगर आपको दो पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो, या एक पॉइंट और स्लोप आपको पता है तब आप इक्वेशन निकाल सकते हो। और इसी के केसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइन के दो इंटरसेप्ट पता है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो कहने का मतलब दो पॉइंट पता है ना आपको, एक्स और वाई इंटरसेप्ट पॉइंट ही होते हैं ना, तो अगेन जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता है, दो पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। इसी तरह आपको स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो कहने का मतलब वही है कि एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको दो पॉइंट या एक पॉइंट और स्लोप पता हो तो आप आसानी से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। लेकिन ये जो मैंने आपको जो आखिरी है ना परपेंडिकुलर फॉर्म, वो तक इतना यूज नहीं करते, जो चार फॉर्म बताई है ना, इन चारों फॉर्म की जगह आप बस एक ही फॉर्म यूज कर लो जो आपको हर केस में फायदा दे देगी, वो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप कहते हो स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर आपको जिस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के ऊपर आपको कोई भी एक पॉइंट पता हो और उस लाइन का आपको स्लोप पता हो, वो यहां पे आप पुट करोगे x1 y1 की जगह पॉइंट, m की जगह स्लोप, आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का स्लोप ना पता हो, आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेशक दो पॉइंट पता हो और अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो एक तो तरीका आप यहां पे टू पॉइंट फॉर्मुला यूज कर लो, वो मैंने आपको बताया नहीं है, ना जरूरत है याद रखने की आपको। अगर आपको दो पॉइंट पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो कोई इशू नहीं है, आप क्या करो उन दो पॉइंट से सबसे पहले स्लोप निकाल लो, स्लोप आ गया आपका, और कोई भी एक पॉइंट यहां पे पुट कर दो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। व्हाट इफ कि अगर आपको लाइन का स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो, कोई इशू नहीं है, वाई इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए लाइन का वाई इंटरसेप्ट फोर है, फोर मतलब जीरो कॉमा फोर पे वो क्रॉस कर रही है लाइन, तो पॉइंट आपको पता चल गया
स्लोप आपको गिवन है, अभी भी आप ये फॉर्म यूज कर सकते हो। और चौथा केस, अगर आपको दो इंटरसेप्ट पता हो कि फॉर एग्जांपल लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 4 है, तो कहने का मतलब दो पॉइंट आपको दोबारा पता चल गए, एक्स इंटरसेप्ट मतलब 2.0, वाई इंटरसेप्ट पे पॉइंट मिल गया 0.4। आप इन दो पॉइंट से आप पहले स्लोप निकालोगे, जैसे स्लोप आ गए यहां पे पुट कर देना और कोई भी एक पॉइंट पिक करना, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक लेवल की, अगर मैं ये करवाऊंगा टाइम जाया होगा। तो वर्बली मैंने आपको बता दिया कि यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपको बताओ तो आपको बाकी फॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे केस होता है कि जब आपकी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, जब भी आपकी लाइन ओरिजिन से पास करती है, सिर्फ लाइन के अंदर नहीं है, कोई भी आपका कर्व, आपका पैराबोला हो, सर्किल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कर्व है, अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं होगी। कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब +4, +5, +51, और जनरल फॉर्म में अगर बात करें तो +k, +c, ये वाली टर्म नहीं होगी, वेरिएबल वाली होंगी, एक्स वाली टर्म होगी, वाई वाली होगी, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो x², y², x³, इस टाइप की टर्म होंगी, कॉन्स्टेंट टर्म मौजूद नहीं होगी अगर वो कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, इस बात को याद रखो, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो स्लोप, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हमारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालो। अब मैंने स्लोप के बारे में नहीं बताया तो एग्जैक्ट इक्वेशन तो आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन मैंने ये बात बोली कि वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो उसका मतलब ग्राफ तो उसका इस टाइप का बनेगा, ठीक है। सवाल ये कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो स्लोप तो आपको नहीं पता इस लाइन का जो ओरिजिन से पास कर रही है, स्लोप 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्लोप हमें नहीं बताया उन्होंने। हाँ हमें ये पता है कि पॉइंट ओरिजिन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें पता है वो ओरिजिन है, तो आप x1 की जगह 0 पुट करो, y1 की जगह 0 पुट करो, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी y=mx। x1 0 है तो जस्ट mx बचेगा, यहां पे y1 0 तो y=mx, ये उस लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो कि ओरिजिन से पास करती है, और स्लोप आप कुछ भी पुट कर दो, स्लोप की जगह 1 पुट करो तो एक बाइसेक्टर आपको मिल जाएगा पूरा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का, पास ओरिजिन से ही कर रही होगी। स्लोप की जगह 2 पुट करो, थोड़ी लाइन इस तरह हो जाएगी, हाफ करोगे तो लाइन थोड़ी फ्लैट हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये कि स्लोप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो इस स्ट्रेट लाइन में कोई कांस्टेंट नहीं है, वाई के टर्म में, एक्स के टर्म में कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है, एक और फॉर्म भी होती है जिसको आप कहते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, काफी मशहूर है, कुछ जगहों पे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोला जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यूज करने की ऐसे जितनी जरूरत नहीं है लेकिन काम आती है फिर भी। वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन गिवन हो ना, आप आसानी से उसको ड्रॉ भी कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन को मसला नहीं होगा आपको। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y=mx+b, वेयर m स्लोप होता है, b y इंटरसेप्ट होता है। अगर आपको कोई लाइन इस फॉर्म में गिवन था, और ज्यादातर जो आपको लाइन है, जो इनइक्वालिटीज आपने देखी थी जब ड्रॉ करते थे आप, तो आपकी लाइन इस फॉर्म में होती थी, तो ये फॉर्म काफी अच्छी है। अगर इस फॉर्म में आपकी लाइन गिवन है तो आप आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हो, मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी में भी बताया था, यहां मौका मिला तो चलो यहां भी बता दूंगा किस तरह ड्रॉ करना है, तो इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहे होते हैं। तो जो इक्वेशन वाले पोर्शन में मैंने तकरीबन बेसिक बातें तो आपको सारी बता दी है, ठीक है, जनरल फॉर्म बतानी है अभी स्ट्रेट लाइन की, सही है, और तो कोई बात आई गेस नहीं रह गई। हाँ, जनरल फॉर्म जरा देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन की, एक फॉर्म होती है जिसको आप कहते हो जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो ये है फॉर्म ax+by+c=0, इसको आप कहते हो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है ax+by+c, सबसे पहले x की टर्म, फिर y की टर्म, फिर कांस्टेंट की टर्म, इक्वल टू जीरो। और अगर आपकी लाइन को जनरल फॉर्म में गिवन है इस तरीके से, तो आपका स्लोप भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एक्स का कोफिशियंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशियंट। क्या मैंने बात बोली, कोई भी अगर आपके पास एक स्ट्रेट, अब देखो एग्जाम्पल आप खुद लेट कर लेना, ये कोई इतनी मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको एग्जाम्पल दे देकर बताऊं, कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है जनरल फॉर्म में कन्वर्ट है, एक्स के टर्म, वाई के टर्म कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बेशक लेफ्ट हैंड साइड पे ना हो इतना मसला नहीं है, लेकिन x और y अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है, या कोशिश करो कांस्टेंट को भी ले आओ, आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब जनरल फॉर्म में लाइन कन्वर्ट होगी, अगर आपने उसका स्लोप निकालना है तो डायरेक्ट आप स्लोप निकाल सकते हो, कैसे, आप लिखो माइनस, ऊपर लिखो x का कोफिशियंट, नीचे लिखो y का कोफिशियंट, आपके पास जो उस लाइन का स्लोप है वो आ जाएगा। y अगर यहां पे दरमियान में, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन है 2x-3y+4, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप होगा माइनस x का कोफिशियंट है 2, y का कोफिशियंट यहाँ पे -3 है, तो इस साइन को भी आप कंसीडर करोगे तो ओवरऑल आपका स्लोप जो है वो 2/3 हो जाएगा।
तो कहने का मतलब इक्वेशन से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। तो स्लोप के आपने यहाँ पे तीन फॉर्मूले पढ़े, एक आप डेरिवेटिव में पढ़ोगे कि अगर कर्व का स्लोप निकालना है तो वो डेरिवेटिव आप निकाल रहे होते हो। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि जब आपको लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता हो तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। फिर आपने पढ़ा था अगर लाइन की आपको इंक्लिनेशन पता हो तो जस्ट उसका टेंजेंट लो, आपके पास स्लोप आ जाएगा। और तीसरी चीज, अगर आपको लाइन की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है तो इक्वेशन से आप आसानी से स्लोप निकाल सकते हो। तो जनरल फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। उसके बाद कुछ बच्चों बेसिक बातें हैं, पैरेलल लाइन की इक्वेशन। पैरेलल लाइन की इक्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व, मैं कंडीशन बता देता हूँ कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो वही बात है, उनके जो स्लोप्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और एक और बात भी होती है, जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन में जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको अगर आपस में डिवाइड करो और जो वाई का कोएफिशिएंट है दोनों पैरेलल लाइन में उसको डिवाइड करो तो वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसको इस तरह समझ लेते हैं कि मैं लिखवा देता हूं यहां पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। उसका मतलब क्या है, पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट उसको डिवाइड करो, अगर ये इक्वल हो जाए, पहली इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट डिवाइड बाय दूसरी इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मतलब वो लाइन जो है वो पैरेलल है। अब इसके बारे में थोड़ा खुद सर्च कर लेना यार, डिटेल में मैं नहीं जा सकता, टाइम इतना नहीं है। और एक कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की, कि अगर ये दोनों चीजें बराबर हो, साथ साथ जो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट हैं उनके उनका रेशियो भी अगर इसके बराबर है तो अब वो लाइन बन जाती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, और पैरेलल तो आपको पता है कि जो इंटरसेक्ट नहीं कभी करती, तो ये कंडीशन भी यूज होती है, इसको भी आप लोग नोट कर लो। इसके बाद कुछ बेसिक बातें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक आप मेथड यूज करते हो, के मेथड कहते हैं, दो लाइन के इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन पास करे, या एक ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, के पॉइंट जो है वो लाइन के अबव लाई कर रहा है बिलो लाई कर रहा है, ये टॉपिक भी पढ़ाया जाता है। उस पॉइंट को आप पहले लाइन की इक्वेशन में देखना कि जो वाई की टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर वाई की टर्म पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओ। जब y की टर्म पॉजिटिव हो गई, अब आप उस पॉइंट को पुट करो लाइन की इक्वेशन में, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो पॉइंट लाइन के ऊपर है अबव है, अगर लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका मतलब वो पॉइंट लाइन के बिलो है नीचे है, ये वाला कॉन्सेप्ट था। फिर एक कॉन्सेप्ट था कि पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलो मैं लिखवा देता हूं ये, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक स्ट्रेट लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट और लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। मतलब आपने जस्ट इक्वेशन में एक्स की जगह पे पॉइंट की एक्स वैल्यू पुट कर दी एक्स वन, और वाई की जगह पे पॉइंट की वाई वैल्यू मतलब वाई वन पुट कर दिया, और मॉड इसे लगाया क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव ही है, और इसको आपने डिवाइड कर दिया जो इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी था जो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान फॉर्मूला होता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट था कि दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बता नहीं रहा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट भी होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपने काफी फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन इन टर्म ऑफ अगर आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस पता हो और फिर एरिया अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता है। तीनों वर्टिसेस आप पुट करोगे पहले और दूसरे कॉलम में उनके कोऑर्डिनेट्स, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिखोगे, पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, डिवाइड बाय 2 करना, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक जो मैं स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट में पढ़ाता हूँ सब मैं रिवाइज करके बता रहा हूँ आपको, कि उसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ये टॉपिक होता है कि जब दो लाइन ओरिजिन से पास करती हैं तो जो उनकी ज्वाइंट इक्वेशन होती है ना वो इस फॉर्म की होती है जो मैंने आप लोगों को बताई है, पर उससे रिलेटेड डिफरेंट पॉइंट है, लेकिन वो उसका इतना लेना देना है नहीं, तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह नहीं रहा, वो फिर बहुत ही एक्स्ट्रा टॉपिक निकल जाएगा। तो ये बेसिक बातें हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों मैंने डिटेल में आप लोगों को रिवाइज करवा दी है। अगर कुछ पॉइंट मिस हो गया हो तो मैं क्या कह सकता हूं, एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन मेरे इंटरमीडिएट का चैनल पे भी अपलोड है, अगर किसी को शौक हो तो वो देख सकते हैं वहां पे जाके। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोगों को बस बता दूं, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। बाकी तो यार जितनी बातें थी मैंने आप लोगों को सब बता दी है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखी हो और मैंने आप लोगों को बताई ना, जितना नॉलेज था मैंने सब आपको बता दिया। हाँ,
हाँ जी जी सब हो गया। अब बस मेरे पास कौन सी एग्जांपल है, अच्छा हाँ फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट गिवन और आपको बोला जाए ठीक है। अच्छा अगर एक पॉइंट गिवन हो यहाँ पे आखिरी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक पॉइंट गिवन हो फॉर एग्जांपल -1, 2 आपको बोला जा रहा है कि एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो इस पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन निकालो। देखो इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें पता होना चाहिए हर सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में आपको एक पॉइंट दिया है और दूसरा बताया कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो अगर कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब हॉरिजॉन्टल है और इस पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू बी। तो अगर वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, एक तो इसका तरीका आप ग्राफ भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉ करो -1 और 2, ये पॉइंट यहां पे होगा, तो अगर कोई लाइन यहां पे पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू बी। क्या होता है बी होता है कि इस लाइन और x एक्सिस के दरमियान पूरा डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जर्व करो पूरा डिस्टेंस इसके बराबर है, यहां पे ये पॉइंट 2 था ना, तो ये पूरा डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2। ये कॉन्सेप्ट है, इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपको पता है अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी। तो आप जैसे देखो कि आपकी पॉइंट में y वैल्यू क्या है, y वैल्यू 2 है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, या दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2। अगर आप 2 को इधर लेके जाना चाह रहे हो तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 भी आप कह सकते हो। और ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है लेकिन वो वर्टिकल है मतलब पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -1। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी मतलब वर्टिकल होगी। आपको पता है जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन में x आता है इक्वल टू a, a मतलब कि ये पूरा डिस्टेंस क्या है, तो ये आपको पॉइंट में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे a का मतलब एक चीज ध्यान में रखना, मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि जस्ट डिस्टेंस पुट करते हो, साइन भी आप पुट कर रहे होते हो, इस बात का ख्याल रखना। साइन का मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है वो लेकिन x एक्सिस के बिलो है यहाँ पे बन रही है तो अब आपने माइनस भी लगाना है, बेशक डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, बी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आप लेते हैं, ये मैंने गलत बात बोली है आसानी के लिए, बी डिस्टेंस नहीं होता यहाँ पे, डिस्टेंस का मतलब वो तो हर केस में पॉजिटिव होना चाहिए, फिर डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। अगर लाइन एक्स एक्सिस के अबव है तो बी पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर वो लाइन नीचे है तो अब बी नेगेटिव होगा, तो बी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ये जहन में रख लेना। जैसे इस केस में देखो ये जो लाइन थी वर्टिकल वो इस तरह बन रही थी, ये पॉइंट नहीं यहाँ पे था, तो वर्टिकल लाइन इस तरह बनेगी, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी लाइन है, तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई लाइन वर्टिकल है और वो राइट पे है वाई एक्सिस के तो ए पॉजिटिव ही होगा, लेकिन अगर वो लाइन वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है तो अब ए नेगेटिव होगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ए क्या था, ए यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ये पूरी चीज ए है जो कि सवाल में -1 थी, तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1। तो जहन में रखना ए और बी डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, जस्ट कोऑर्डिनेट्स है, इसको इस तरह समझ लो, ठीक है। अपनी आसानी के लिए आप बेशक बोल सकते हो कि ए और बी डिस्टेंस है, उसके बाद आप बाद में साइन लगा दो, एक ही बात है कि जैसे आप इसको देखो डिस्टेंस 1 आ रहा है मतलब इस लाइन और वाई एक्सिस के दरमियान डिस्टेंस 1 है, और फिर आप बोलोगे लाइन वाई एक्सिस के राइट लेफ्ट पे है तो मैं नेगेटिव लगा देता हूं तो -1 आ जाएगा। उस तरह भी समझना चाहो तो सही है, लेकिन ये करेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिया। तो ये आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा अगली एग्जांपल ये है कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन हो, क्योंकि ग्राफ में हमारे बच्चे थोड़े वीक होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने एग्जांपल ऐड की थी, तो चाहो तो इसको भी देख लो कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइन है y इज इक्वल टू 2/3 कर लेते हैं +3, ये एक इक्वेशन है, स्लोप मैंने जानबूझ के थोड़ा मुश्किल रखा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और आपने इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने का बड़ा आसान तरीका होता है, मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी इमेज बनाता हूँ वहां पे मैं छोटी कर दूंगा। एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप देखो कि y इंटरसेप्ट क्या है, ये बिल्कुल इस फॉर्म में कन्वर्ट है ना, तो b होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट यहाँ पे 3 है, तो कंसीडर कर लो ये y इंटरसेप्ट 3 हो गया। आपने क्या करना है, अब आपने इस पॉइंट को पिक करना है, ये y इंटरसेप्ट था, और आपने स्लोप को ड्रॉ करना है। अब स्लोप को कैसे ड्रॉ करते हो, स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y के अंदर चेंज कितना आया, 2 आया। अगर वो चेंज पॉजिटिव है मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आप ऊपर जाओगे 2 यूनिट आप ऊपर जाओगे, और अगर यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आता -2/3 होता तो मैं 2 यूनिट नीचे जाता, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो सबसे पहले मैंने y इंटरसेप्ट ड्रॉ किया, उसके बाद मैं 2 यूनिट ऊपर जाऊंगा। कंसीडर कर लो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 5 होगा, तो इस पॉइंट से 2 यूनिट ऊपर ये चीज है। फिर डिनोमिनेटर में क्या होता है, चेंज इन x, मतलब
एक्स में कितना चेंज आया, तो आप हमेशा राइट की तरफ जाओगे। कितना जाना राइट की तरफ, 3 यूनिट, तो 1, 2, 3, ठीक है। यहां पे आ जाओगे, आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई। जैसे आपने दो पॉइंट मालूम कर लिया ना लाइन के, तो वो लाइन आपकी आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। तो प्रोसेस क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट ड्रॉ करोगे, उसके बाद अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आपने ऊपर जाना है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो आपने नीचे जाना है। अगर यहां पे -2/3 होता तो आप क्या करते, 2 यूनिट नीचे आते और फिर राइट की तरफ 3 यूनिट जाते, इस तरह करते हैं, ठीक है। जाना आपने हमेशा राइट की तरफ ही है, क्योंकि मैं जो नेगेटिव है वो ऊपर न्यूमिनेटर के साथ लगा रहा हूं, तो वाई के साथ आप हमेशा नेगेटिव लगाना, तो डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रखना, तो डिनोमिनेटर हमेशा आप राइट की तरफ जाओगे। अब अगर ऊपर पॉजिटिव है तो आप ऊपर जाओ, अगर नेगेटिव है तो आप नीचे आओगे। एक्स आपने हमेशा राइट की तरफ ही जाना है। तो इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं इस चीज को छोटा सा लिख देता हूं वहां पे नोट्स के तौर पे, कि ये आपका वाई इंटरसेप्ट है, आप 2 यूनिट ऊपर गए थे, मैं लगा देता हूं 1, 2 और 1, 2, 3, यहां पे आपको पॉइंट मिला था, इस टाइप की आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कि अगर आपको किसी लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये सवाल भी आप लोगों को मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही होता है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जनरल फॉर्म में गिवन है, 2x - 3y + 4 = 0, और आपको बोला जा रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। कभी आपको बोला जाता है, कभी आप खुद कर रहे होते हो। अभी आपने देखा ग्राफिंग करने में भी काफी आसानी होती है आपको। स्ट्रेट लाइन को ग्राफ करने के ज्यादातर 2 तरीके होते हैं, एक तीसरा तरीका भी है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन के लिए आप ऐसे यूज नहीं करते, कि टी टेबल बनाते हो, एक्स वैल्यूज पुट करते हो, वाई वैल्यूज आती हैं, उन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हो, ये नॉर्मली बाकी कर्व्स के लिए आप यूज कर रहे होते हो। स्ट्रेट लाइन के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, आप इंटरसेप्ट निकालो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपस में ज्वाइन कर दो, लाइन आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये कि आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, और जो मैंने ड्रॉ करके बताया आपको, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो फिर अगर आपको लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वाई के टर्म को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी, क्या बचेगा, 2x + y। अब y आपको चाहिए ना, 3 को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3x + 4/3। तो ये लाइन आपकी कन्वर्ट होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जिसमें 2/3 स्लोप है और 4/3 y इंटरसेप्ट है। तो लाइन को आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। देख लेते हैं कोई और एग्जाम्पल है मेरे पास जो आप लोगों को बताऊं। हाँ, ये एग्जाम्पल है जिसके लिए ऐसे जगह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमको जुगाड़ कर लेते हैं यहाँ पे, कि बिल्कुल आपको बोला जाए कि एक लाइन गिवन है, ठीक है, सही है, आपको एक लाइन गिवन होगी। मैं यहां पे बता देता हूँ कि आपको एक लाइन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे 2x + 3y - 4 = 0, ये एक लाइन है। आपको बोलेंगे इसके पैरेलल एक लाइन निकालो जो एक फला पॉइंट से पास कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कि आप इसके एक पैरेलल लाइन निकालो जो पास कर रही है 1, 2 से, मतलब इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन निकालो जो पास कर रही हो 1, 2 से और पैरेलल हो जो गिवन आपको लाइन है। तो कैसे आप निकालोगे, याद रखो जब भी लाइंस आपस में पैरेलल होती है ना और आपने उनकी इक्वेशन निकालनी है, एक तरीका तो ये है जो कि नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, वो भी आप यूज कर लो, कि अगर ये लाइन जो हमने लाइन निकालनी है वो इसके पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप और हमारी वाली लाइन का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का बराबर होता है, तो जो इस लाइन का स्लोप है वो हमारी लाइन का स्लोप है, तो स्लोप हमें मिल गया, पॉइंट हमें उन्होंने दे दिया, तो आप इक्वेशन आसानी से निकाल लोगे। ये वाला तरीका भी होता है, इस वाले तरीके को फॉलो करो। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, फॉर्मूला लगाओ, ये स्लोप वाला -2/3, ये स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, हमारी वाली लाइन डेफिनेटली पैरेलल है तो हमारी वाली लाइन का स्लोप भी यही है, और पॉइंट क्या है 1, 2, तो यहां पे आप लगा दो स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 m x - x1, इसको सॉल्व कर लो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि जो लाइन पैरेलल है ना उसकी शुरू की 2 टर्म सेम होगी, 2x + 3y, शुरू की 2 टर्म एग्जैक्ट सेम होगी। ये अगर लाइन इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी शुरू की 2 टर्म एग्जैक्ट सेम होगी, फर्क होगा कॉन्स्टेंट के अंदर। कॉन्स्टेंट कैसे निकालोगे, आप इस पॉइंट को पुट कर दो, मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ना वो ये होगी, शुरू के 2 टर्म सेम, फर्क होगा कॉन्स्टेंट के अंदर। कॉन्स्टेंट कैसे निकालोगे, आप इस पॉइंट को पुट कर दो, एक्स की जगह 1 पुट करो तो 2 आएगा, वाई की जगह पे 2 पुट करो, यहां पे 2, 3, 6, तो 2 + 6 क्या होता है 8, 8 को उधर ले जाना तो -8 हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू -8 आ रही है, आप यहां पे कॉन्स्टेंट की जगह -8 पुट कर दो। तो ये भी तरीका है जिस तरीके के तहत आप इक्वेशन निकाल सकते हो अगर आपको पैरेलल लाइन के निकालनी है, सही है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 3y
माइनस एक्स आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस टू एक्स प्लस टू आ रहा होगा, तो प्लस टू को लेकर आओगे माइनस एट और माइनस टू एक्स को लेकर आओगे तो टू एक्स, एग्जैक्ट आपके पास यही इक्वेशन आ रही होगी। और यही सवाल आपको दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालो जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है या किसी भी पॉइंट से पास कर रही है, तो अगेन वही तरीका है। एक तो ये कि आप क्या करो, इस लाइन का स्लोप माइनस टू अपॉन थ्री है ना, तो याद रखना जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो अगर इस वाली लाइन का स्लोप माइनस टू अपॉन थ्री है तो जो इसके परपेंडिकुलर होगी ना उसका स्लोप होगा थ्री अपॉन टू, रेसिप्रोकल और नेगेटिव। तो माइनस टू अपॉन थ्री का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, थ्री अपॉन टू होगा। तो जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप ये होगा, पॉइंट आपको ऑलरेडी दे दी है तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना तो उनके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, जो इसका वाई का कोएफिशिएंट है वो आप इसका एक्स का कोएफिशिएंट बना दो, जो इसका एक्स का कोएफिशिएंट था उसको आप वाई का कोएफिशिएंट बना दो, आपस में कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए। अगर दरमियान में पॉजिटिव था नेगेटिव कर दो, मतलब इंटरचेंज करते हुए ना आप साइन कंसिडर नहीं करना, बेशक इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आता लेकिन आप कोएफिशिएंट को थ्री कंसिडर करते हैं। तो क्या करो, यहाँ पे y का 3 था आपने x का 3 कर दिया, यहाँ पे x का 2 था आपने y का 2 कर दिया, और दरमियान में यहाँ पे पॉजिटिव था आपने नेगेटिव कर दिया। तो शुरू की दो टर्म तो आप ऐसे आसानी से लिख लोगे, फर्क किसके अंदर होगा, अगेन कांस्टेंट के अंदर होगा, कांस्टेंट को मालूम कर लेना कैसे, x की जगह 1 पुट करो ये 3 हो जाएगा, y की जगह 2 पुट करो माइनस 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 क्या होता है माइनस 1 के बराबर, माइनस 1 को उधर लेके जाओगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। तो ये भी तरीका होता है जिससे आप परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। दैट्स इट बच्चों, जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन है वो डिटेल में हमने कवर कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिए। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास रख सकते हो, ये बहुत अच्छी किस्म के नोट्स आपके बनेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप लोगों के लेवल पे आप लोगों को आनी चाहिए वो डिटेल में यहाँ पे कवर हो गया। वैसे तो बहुत है लेकिन डिटेल में सारे पॉइंट जो आप लोगों को सीखना जरूरी है वो इसके अंदर कवर हो गए। बाकी यार अगर कोई गलती हुई हो तो बता देना कि सर इस जगह पे गलती की है, कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ सजेशन हो तो वो भी दे देना। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।